राम जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज बच्चे तो चले गए हैं स्कूल दोनों, और काफ़ी दिनों के बाद गए हैं और दोनों कहते हुए जा रहे थे, मम्मी आज तो खूब इंजॉय करना क्योंकि हम स्कूल जा रहे हैं कई दिनों के बाद। तो मस्ती करते हुए वो तो चले गए दोनों बहन भाई स्कूल, और मैं कर रही हूँ अब काम, कर लिया है अपना, फ्री हुई हूँ थोड़ा सा। तो आप सोच रही बैठे बैठे क्या करें, तो कपड़े प्रेस कर लेते शर्मा जी के। ये देखिए चार पांच जोड़े मैं लेके आई हूँ, और ये शर्मा जी कपड़े प्रेस करके रख देंगे। ये अगर फटाफट से फोन आता है तो अपने पहनो और जाओ भाई, चलो। ये नहीं है कि भाई कपड़े प्रेस नहीं है, वो सामान नहीं है, और बस ये करके काम खत्म होगा। इतने फिर अंशु गुड्डू आ जाएंगे, तो आके भाई अब कई दिनों बाद गए हैं आज स्कूल, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और आते ही कहेंगे मम्मी एसी चलाओ, तो अभी तक तो मैंने चलाया नहीं है, पर हाँ वो आते दोनों बहन भाई एसी ज़रूर चलाएंगे, क्योंकि भाई उनको कई दिनों के बाद अब स्कूल गए तो गर्मी भी अब लगेगी उनको बहुत ज़्यादा, तो पसीने पसीने होकर ड्रेस व्रेस निकाल के आते ही सबसे पहला काम उनका ये होता है कि एसी चलाएंगे, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो पहले कर लेती हूँ अब कपड़े प्रेस। और गुड्डू आ गए स्कूल से, और आते ही भाई अपनी फ्रेंड आ गई इसकी, और खेल रही है दोनों, चीज़ लाई है ये, और अब अपने किचन सेट रख लिया है, और किचन सेट में कुछ कुछ बनाएगी और रात को मेरे किचन में जाके रख देगी। अपने किचन में कुछ कुछ बना के सारे हुए बर्तन गंदे करके और मेरे किचन में सिंक में पटक आएगी। मम्मी अब आप साफ करो भाई, अपने किचन में आप साफ करो अपने बर्तन, हैं? कल भी तेरे सारे बर्तन रात को साफ करे मैंने तेरे। और देखिए अपने बर्तन में क्या क्या बना रही है, क्या क्या बना रहे हो? तो ये है दाल चावल, और अभी सीटियां आएगी। तो आज चावल आपने गलत काम कर दिए बहन, आज तो एकादशी है, आपने चावल क्यों बनाए? अब तो ये गाय को खिलाने पड़ेंगे। ओहो, ये मेहमान अब आप क्या खाएंगे? आपके रोटी खिलानी पड़ेगी अब मेहमान को। तो ये आपने चावल बनाए और नूडल्स बनाए। ओहो, स्नैक्स। ओहो, और राधा स्नैक्स खाएगी अब, बन गए हैं। ओहो, अब डालेगी गुड्डू है, चाय तो बनाई नहीं, चाय पानी नहीं लाए ना अभी। गुरु चाय बना ले बहन, मेरे को भी पिला दियो, ठीक है? आवाज लगा देना है बहने, नाश्ता तो ये कर लेगी, राधा कर लेगी है, ठीक है? और आज गुड्डू ने डाल रखा है टॉप कॉटन का और शॉर्ट्स, और राधा आई है खेल ले, और बस राधा इंतजार करती कब गुड्डू घर आए और कब मैं खेलूं। दोनों बहने अपने आते ही खेल के लग गई है स्कूल का काम। स्कूल में कर लिया था भाई, वाह। अभी ट्यूशन नहीं जाने लगी राधा? अच्छा, घर पे ही कर लेते हैं लो। ये तो दोनों बहनें खेल रही हैं अपने, खेलने दो इनको, और मैं थोड़ी देर अब आराम करती हूँ क्योंकि मैंने करे बहुत सारे कपड़े प्रेस। और आज है वीरवार, तो आज हमने मंदिर अपना हटा दिया है, माता रानी का दरबार और माता वही मंदिर में बिठा दी है, और जो ये खेतड़ी थी, कलश था, और जो फूल माला वगैरह थी, और जोत का जो था वही सामान सारा एक पन्ने में इकट्ठा कर दिया, और अब इसको शर्मा जी जा रहे हैं काम पे, तो इसको भाई नहर में अपने सिलाते हुए चले जाएंगे। और आज बृहस्पति भी था, कल तो नवमी थी, तो इसलिए मैंने नहीं हटाया था ये दरबार भी और खेतड़ी भी, तो आज वीरवार भी वार भी बढ़िया था, और भाई आज सिलाए आएंगे इसको, निकल जाएगी ना आराम से। पन्नी लाऊं हैं? इसमें उल्टी कर लो ना, यूँ क्यों ले जाओ ना आप ना, यू पूरी मिट्टी ले जाओ, इनका क्या करना? मंदिर में देख, काली मंदिर वालों में बोलूं को ये नहीं ले जाओ। अच्छा, मिट्टी तो गमला में काम आ जाएगी। किस काम में ले होगा आप? नीचे तक होगी। हाँ वही तो कहूँ, किस काम में ले होगे? देखियो जड़ कहाँ तक फैलेगी, पूरी। और भाई अब की बार माता रानी प्रसन्न हो गई, अच्छी खूब लंबे लंबे जो जो है उगाए, और पिछली बार तो जरा जरा से हुए थे माता रानी, पिछली बार तो गुस्सा हो गई थी हमसे क्योंकि हमने दरबार पूरा मंदिर में ही कर दिया था एक में। और शर्मा जी तो बुकिंग पे चले गए हैं, और हम बना रहे हैं पनीर की भुजी, ये देखिए, और मसाला भी काट लिया मैंने, प्याज काट लिए, टमाटर काट लिए, और दोनों बहन भाई लगे हुए पढ़ाई के, क्योंकि दोनों का बहुत सारा काम हो गया था, गुड्डू का भी और हंसु का भी, कई दिन तो ये गए नहीं थे स्कूल में, और फिर छुट्टियां पड़ गई थी, और मैम काम डेली भेज रही थी गुड्डू का, तो और अब हो गया बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा, कुछ स्कूल में करके आई थी और कुछ अब कर रही है, दिखा रही हूँ आपको।
ये देखिए सारे अपने बुक वगैरह खोल के बैठी है। और अंशु करा था क्वेश्चन आंसर याद अपने, हाँ फिर डांट रही थी। चल तो दे दें, वही का फोटो कटिंग करके दे दूंगी, ठीक है। तो गुड्डू को मिला है ये, देखिए गार्जियंस पेरेंट्स जो कहा भाई इसको लेने अगर कभी जाना भी पड़ जाए हमको स्कूल में, तो पहले हमको ये कार्ड दिखाना पड़ेगा, तब गुड्डू को हमारे साथ भेजेंगे, वरना अगर ये कार्ड ना हो तो चाहे मैं चली जाऊँ, शर्मा जी चले जाएँ, पर गुड्डू को हमारे साथ नहीं भेजेंगे, ये कार्ड होना ज़रूरी है। और अंशुमन कर रहा है अपना किस चीज़ के क्वेश्चन आंसर यार, इसका फ्रेंड आया था वो भी भाई, अब फोटो खींच के लेके गया है इसकी, और लगे हुए काम पे क्योंकि काम हो गया बहुत सारा, और क्लास से हो गई दोनों की बड़ी, अंशुमन की तो 10वीं की पढ़ाई हो गई अब, और कह रहा है मम्मी अब एक भी छुट्टियां नहीं करूँगा, पहले ही बहुत सारा काम हो गया इकट्ठा, तो इनको पढ़ने देते हैं और मैं बना लेती हूँ पनीर की भुजी। खाना खा लिया है और देखिए अब आ गए रसोई में, बर्तन है, बर्तन साफ करूंगी और रसोई साफ करूंगी। और आज पनीर की भुजी अंशुमन को बहुत अच्छी लगी, कह रहा है मम्मी बहुत अच्छी भुजी बनाई है आपने पनीर। और ये देखिए बंदर, खाना तो खा लिया इसने और अब पड़ गया, पहले तो सो गया फिर फोन देखा थोड़ी सी देर, सोया कहा था तो यहाँ कमरे में फिर क्या कर रहा था, पढ़ ही रहा था मैं, अपना काम कम्प्लीट कर रहा था लिखने का, तो इसने राइटिंग का तो अपना काम कर लिया कम्प्लीट, और लर्निंग का, लर्निंग का कर लिया। ऐसे क्या देख रहे हो, इंग्लिश में 3 क्वेश्चन लिए थे, 4 क्वेश्चन आंसर आंसर टाइप वही कर लिए बस। और फिर वो रीति क्यों पूरे पेज की फोटो लेके गए, तो वो शॉर्ट आंसर टाइप से वो मैडम से पूछ रहे टेक्सचर करने शॉर्ट करने, तो कह तो रहा है अब कर लिया इसने लर्निंग का काम, तो शॉर्ट भी मैं इसे सुनूंगी, बस कर लेती हूँ बर्तन साफ और फिर इसे सुनूंगी क्वेश्चन आंसर, देखती हूँ इसने कितने याद किए हैं वो पता लग जाएगा अभी। और देखो कैसे देख रहा है मेरे को, दिख रहा है क्या उसमें, दिख रहा है मैं देख रही हूँ तेरे को, तो अब सुनूंगी इससे, बस बर्तन साफ कर लेती हूँ और सुनूंगी देखूंगी इसने कितने क्वेश्चन आंसर याद किए हैं। तो अभी हम आ गए हैं बाहर क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और इतना हुमस हो गया, तो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम बाहर आ गए और बाहर अब हवा भी बंद हो गई, और हम बाहर आए तो हवा भी बंद हो गई। हाँ एक पता नहीं हिल रहा है, इतनी तेज तेज हवा चल रही थी, बड़े बड़े कूलर के पास अंदर तो 34 टेम्परेचर, तो परेशान कर देगा रात में, और भी परेशान तो ना कर, रोज घुसे लगा रहे हैं। अच्छा क्या हमें, क्या चूहा घुस गया बबली आंटी, मोटा सारा अंदर तो मम्मी 34 टेम्परेचर हो रहा है, बाहर कितना हो रहा है, बाहर और भी ज्यादा, पर बाहर हवा, अभी तो मम्मी आप रह लिए जून में क्या हाल रहेगा इसी तरीके से रहे तो, ज्यादा गर्मी हो रही है, मम्मी हमारा क्या हाल होगा, आप सोचो ना गर्मी में पसीने पसीने होके आएंगे, लो प्रसाद। तो मैं अंशु गुड्डू आ गए हैं बाहर क्योंकि अंदर गर्मी लग रही थी बच्चों को, और कह रहे थे मम्मी बाहर हवा चल रही है ठंडी, तो थोड़ी देर बाहर आके बैठ गए हैं, और भाई हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी भी बैठे हैं अपने दरवाजे पे और बस आपस में बात कर रहे हैं। और भाई हमारे पड़ोसियों के घर के अंदर बहुत मोटा चूहा घुस गया है, कह रही भाभी परेशान करता है, रसोई साफ़ करके सोती हूँ और जब सुबह उठती हूँ तो सारे रसोई के डब्बे जो है नीचे गिरे मिलते हैं, तो बस बात कर रहे हैं और हवा चल रही ठंडी ठंडी। आ गए अंदर भाई, बाहर तो बैठ लिए थोड़ी देर, हंस लिए बात कर ली, और अब अंदर आ रहा हूँ की बात बताऊँ, एसी चला दिया सामने आइसक्रीम रखी होती है हर बंदे के, पर जब कौन का छिलका चार तो देखिए, एसी चला लिया अंदर घुसते ही अंशुमन ने, और दोनों बहन भाई अब खा रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि जब इसके पापा गए थे बुकिंग पे तो इनको पैसे दे के गए थे कि भाई अपनी जो चीज लेके आनी वो ले आना, और दोनों बहन भाई अपने लिए ही लिया है, यूं नहीं करी ले मम्मी को भाई, मम्मी के लिए भी ले चले, और अब खा रहे हैं दोनों, देख रहे हैं इतने इतने गंदे बच्चे, यूं भी नहीं करेंगे मम्मी आप चख लो खा के देख लो भाई, जब तो नवरात्रे थे भाई हमने ही खाई चीज थोड़ी सी, आप भी चख के दे, मम्मी की कोई परवाह नहीं है, बस अपने आप खानी है चीज, खिलाओ थोड़ी थोड़ी दोनों बहन को, थैंक यू तो अच्छी है भाई, पर मैं ये नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ चोकोबार, तो बस अब करते हैं ब्लॉग का एंड,
आशा करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।